أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قد قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر

के महज उसकी तोफ़ी उसके फ़दल से आज का ये प्रोग्राम मनद हो रहा है और मनद हो चुका है बिल्कुल अपने अखताम पर हैं अलहदुल्ल ही अल आखिर अल्लाह के शक्र के बाद मस्जिद रहमानी के तमाम ज़िम्मेदारान और बंगलुर दुरूस के तमाम दोस्त अहबाब का भी हम शक्र अदा करते हैं कि उन्हें उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया अल्लाह तमाम की खिदमत को कबूल फरमाएमी हादरीन इजलास मेरा मौजू जैसा कि आपने सुना कामयाब कौन और नाकाम कौन या महरूम कौन ये मौजू बड़ा तवील है असल ये दो मौजुआत हैं जिसको एक किया गया है मैं इस मुख्तसर वक्त में जो वक्त दिया गया है उसमें कोशिश करूँगा कामयाबी के सिलसिले में जो अहम बातें क़र हदीस में आई हैं उसको मुख्तरा अहम बातें मैं आपके सामने जिक्र करूँ इसी तरह नाकामी किसको कहते हैं नाकामी के क्या इसबाब हैं वो क्या सिफ़ात और साफ़ हैं जो बताए गए इन शख्तसरा जो है जिक्र करने की कोशिश करूँगा देखिए कामयाबी फितरतन हर इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने ये बात रखी है कि दुनिया का हर इंसान चाहे वो कोई भी हो किसी भी मज़हब पर चलने वाला हो किसी भी मज़हब को मानने वाला हो चाहे मर्द हो औरत हो चाहे बूढ़ा हो बच्चा हो जवान हो कोई भी हो फितरतन हर इंसान कामयाब होना चाहता है कामयाबी हासिल करना चाहता है दुनिया में भी और आखिरत में भी ख़ास तौर से एक मुसलमान जो आखिरत पर ईमान रखता है आखिरत की सही फ़िक्र करता है जिसके अंदर अल्लाह का सही डर है अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए वही उसकी ये कोशिश होती है कि मेरा हर कौल मेरी हर बात मेरा हर अमल वैसे हो जैसे रब चाहता है रब चाहिए ज़िंदगी गुजारना एक मुसलमान चाहता है बहरहाल कामयाबी हर इंसान की फितरत में दाखिल लेकिन अब सवाल ये हैं क्या सिर्फ चाहने से ख्वाहिश करने से कामयाबी हासिल हो जाएगी मैं और आप या कोई भी इंसान सिर्फ चाहें ख्वाहिश करें सिर्फ ख्वाहिशात की पैरवी करें बड़े बड़े दावे करें और वो काम ना करें जो हमें करना चाहिए कामयाब होने के लिए जो आमाल जो अवसाफ़ आगे जो तफसीली बातें हम सुनेंगे अगर हम कुछ भी ना करें सिर्फ ख्वाहिश करें क्या कामयाबी मिल जाएगी हमारी मंजिल मिल जाएगी जिस मंजिल की हम तलाश में हैं जिस मंजिल मकसूद को पाना चाहते हैं जो हमारा मतलूब मकसूद है हमारा हकीकी ठिकाना ये दुनिया हमारा मकसद नहीं है इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा है अल्लाह ने पैदा किया है एक अदीम मकसद के लिए हम जानते हैं वो मक़सद हमें मालूम है खुद अल्लाह ताला ने बताया है जिसने इस फ़ानी दुनिया को बनाया उसने इस दुनिया की हकीकत इस दुनिया की हैसियत को अल्लाह ताला ने खोल खोल कर जो है मिसालें देकर प्यार और मोहब्बत बड़ी प्यार और मोहब्बत से अल्लाह ताला ने उसकी हकीक़त को समझाया और उसकी ख़तरनाक और इस दुनिया की इस धोखे से जो है अल्लाह ताला ने डराया भी तो देखिए हमारा जो मंजिल हमारी जो मंजिल है जिस पर हमें चलना है जिस जिस रास्ते पे चलते हुए उस मंजिल को पाना है ये मंजिल ऐसी है ये रास्ता ऐसा है उस पर चलने वाला रास्ता हम जानते हैं कि हम में से बाद ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ल करम से उस रास्ते पे चल रहे हैं ये रब का फ़जल है इस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए इस मंजिल मंजिल पर इस मंजिल को पहुंचने के सिलसिले में जो रास्ता जिस पे हम चल रहे हैं अल्लाह से हमेशा दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस्तकाम अता करें साबित हदमी अल्लाह ताला अता करें क्योंकि बाज़ लोग वो हैं जो रास्ता मंजिल उन्हें मालूम है रास्ता भी मालूम है लेकिन चलते चलते जो है कभी ऐसे हालात आ जाते हैं ऐसे फितने ऐसे आजमाइशें शैतान की तरफ से ऐसी रुकावटें नफ़ अम्मारा के, के सिलसिले में जो है पढ़ इंसान जो है अपने आप को उस रास्ते से अलग कर लेता है कितने आज लोग हैं जो सरात मुस्तकीम और सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं उससे हट चुके हैं इनहराफ का शिकार हैं उस रास्ते को छोड़कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो रास्ते पे चलते चलते जो है थक कर बैठ जाते हैं फिर उठने की हिम्मत नहीं कर पाते बरहाल लोगों की जो है मुख्तलिफ, उनकी तबीयतें हैं उनके जो है मकासद हैं देखिए दुनिया जिस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें भेजा है इस दुनिया में क्या करना है अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है किस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा लेकिन कामयाबी की, की पहचान क्या है इस दुनिया में रहकर हम कैसे कामयाब हो सकते हैं उसकी पहचान क्या है उसकी नशानियाँ क्या हैं उसकी अलामतें क्या हैं वो क्या इसबाब है जो हमें मिल जाएँ तो हम अपने आप को समझें कि हम कामयाब किसी और को भी देखें कहीं ऐसा ना हो कि धोखे में रहें और उसको देख कर हम भी उसका तरीक़ा अपना लें उसका रास्ता अपना लें या उसको देख कर जो है वो असबाब वसाइल हासिल करने की कोशिश करें जो हमें जो है सीधे रास्ते से कामयाबी से दूर करने वाले कहीं ऐसा ना हो जब दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे उनके जो है, उनकी हैं उनकी नीयतें हैं तबीयतें हैं इरादे हैं मकासद हैं उनके बहुत सारे टारगेट्स हैं जिसको लेकर वो चल रहे हैं बाज लोग ये समझते हैं कि सिर्फ और दौलत मिल जाए समझते हैं सब कुछ मिल गया मैं कामयाब हो गया कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर मैं खूबसूरती मुझे मिल गई तो मैं कामयाब हो गया कुछ लोग उनका नज़रिया ये है कि ओहदा मनसब कुर्सी मिल गई मैं कामयाब हो गया तो लोगों के अलग अलग नज़रियात एक इम्तिहान देने वाला चूँकि अभी इम्तहान चल रहे हैं इम्तिहान देने वाले का मकसद ये होता है कि मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊँ अच्छे नंबर ले लूँ उसका ये मकसद होता है कि अगर मैंने इतने नंबर ले लिए पहली पोजीशन दूसरी जो भी उसके मकसद हैं उसके इरादे हैं ख्वाहिशात हैं वो समझता है कि मेरा टारगेट है अगर हासिल कर लिया तो मैं कामयाब हो गया इसी तरह कोई ये समझता है कि मैं फ़ला फ़लाँ ख़ानदान में मैं पैदा हुआ हूँ मेरे फ़लाँ रिश्तेदार हैं मेरा ये मनसब है मेरी यह हैसियत है वो समझता है कि मैं कामयाब हो गया इस तरह अगर बहुत सारी मिसालें हम दे सकते हैं बहुत सारी मिसालें हम दे सकते हैं ख़ुद हम गौर भी करके समझ सकते हैं लेकिन आखिर में सवाल वही पैदा होता है कि अगर किसी को माल मिल जाए सिर्फ माल का मिलना क्या कामयाबी है सिर्फ माल मिलने से इंसान दुनिया के फितनों में पढ़ कर जो है उससे निकल जाए और कामयाब हो जाए अल्लाह की अल्लाह का तकरब उसकी मोहब्बत पालें जो वादे अल्लाह ताला ने किए हैं उसको हासिल हो जाएंगे और इस तरह की जो भी खुशखबरियाँ हैं कामयाबी की जो बातें अल्लाह ने बताई हैं क्या वो तमाम चीज़ें हासिल हो जाएंगी जब हम गौर करते हैं मालदारों को देखते हैं या खुद हमारे पास माल है तो हम देखते हैं कि माल मिलना या असल कामयाबी नहीं असल कामयाबी माल मिलना नहीं ये सब कुछ नहीं है माल बल्कि ये माल इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना है ये माल या औलाद अल्लाह ताला ने खुद कहा इनमा अमवाकुम व औलादुकुम फितना तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे फितना है आजमाइश है।, आज है कितने हम में से आज हैं कितने हमसे पहले गुजर चुके दुनिया में आकर जा चुके हलाक हो चुके बर्बाद हो चुके इस माल के फितने में पढ़ कर औलाद की अंधी मोहब्बत में पढ़ कर कितने लोगों ने अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया अपनी नमाजों को गंवा दिया अपनी जिम्मेदारियों के एहसास को ख़त्म कर लिया माँ बाप के नाफ़रमान बन गए दोस्ती तोड़ ली रिश्तेदारी तोड़ ली और बहुत सारे हर एक ग़ौर करता इंसान ही बसेरा हर एक हम में से ग़ौर कर सकता है कि कौन कौन क्या है किस फ़ितने में पढ़ कर क्या क्या कर रहा है हमसे पहले कितनी मिसालें अल्लाह ने कुरान में कितने वाक़ियात अल्लाह ताला ने बयान फ़रमाए प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम ने अपनी अहादीस में बहुत सारी मिसालें दी हैं। जो लोग नाकाम हुए ख़ास से माल के फितने में पढ़ कर खारून को अल्लाह ने कितना बड़ा ख़ज़ाना दिया था खसस में आखिरी आयतों में अल्लाह ने उसका उस वाक़े का ज़िक्र किया है इस ऐसी बहुत सारी मिसालें ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं जिन एयाम से हम अभी अभी गुज़र चुके हैं और जिन एयाम से अभी गुज़र रहे हैं अल्लाह अकबर ये दिन ये या अयाम या ये साल पिछले दो साल हमारे लिए काफ़ी हैं समझने के लिए इबरत हासिल करने के लिए अपनी कामयाबी को पक्की करने के लिए नाकामी से बचने के लिए ना मुरादी से बचने के लिए अपने आप को जन्नत में दाखिले के सिलसिले में जहन्नम से अपने आप को बचाने के सिलसिले में फितनों से और बहुत सारे वो असबाब वो जराए वो रास्ते जो हमें अल्लाह से दूर करने वाले जन्नत से दूर करने वाले जहन्नम से करीब करने वाले कब्र के आदाब से करीब करने वाले मौत से करीब करने वाले कितनी ऐसी चीज़ें हैं इबरत की बातें जो अल्लाह ने हमें दिखा दिया है और बचपन से अल्लाह हमें दिखा रहा हो फ़ी अन फिगुम अफ अल्लाह ने कहा सुरदारियात में खुद अपने नफ्स में गौर करो तुम्हारी ज़ात खुद जो है इबरत हासिल करने के लिए काफ़ी है समझने के लिए काफ़ी है दुनिया की हैसियत को समझने के लिए दुनिया में क्यों आए मकसद हयात को समझने के लिए तुम्हारी ज़ात खुद काफ़ी है तुम्हारा बचपन तुम्हारी जवानी ये बुढ़ापा अगर इंसान ग़ौर करे एक अदीम मकसद के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है और जो मकसद है कैसे ज़िंदगी गुजारना है ये तमाम बातें खोल खोल कर अल्लाह ताला, ताला ने बता दी दुनिया के इम्तहाना अल्लाह ने नहीं बताए दुनिया के फितने तफसील से अल्लाह ने नहीं बताए कब क्या होगा कैसे चौकन्ना रहना है कैसे कब करना है किससे का मशूर कब करना है किससे नहीं करना है ये बातें अल्लाह ने इशारातान बता दी हैं लेकिन आखिरत में क्या होगा खबर में क्या होगा आखिरत में क्या सवालात होंगे रब के हकूक़ हकूकल्ला में सबसे पहले क्या सवालत होंगे कहाँ कहाँ हमें नाकामी ना मुरादी नसीब होगी कहाँ हम कामयाब होंगे तमाम बातें अल्लाह ने बता दी हकूक़ लिबाद में सबसे पहला सवाल क्या होगा मामला की अहमियत में बहुत सारी बातें इस मौदू से ताल्लुक़ आपने बहुत सारी बातें सुनी और अल्लाह ताली ने अपने हकूक़ जो कि सबसे बड़े हकूक़ हैं अल्लाह रब्लम के और अल्लाह ने वहाँ ऑप्शन दिए रुखसतें दी अपनी उसात अपनी रहमत की उसातें और रहमत को गज़ब पर सबकत देकर अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया अगर इंसान शिरक ना करे शिरक के अलावा अगर बहुत सारे गुनाह लेकर भी आए ज़मीन भर के ख़तएँ भी लेकर आए अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर सकता है चाहे तो अल्लाह सज़ा देगा लेकिन हुकूकली बात भी अल्लाह ने खोल खोल कर बता दी बता दी अल्लाह ताला ने कि अगर यहाँ कोई कमी रह गई यहाँ अगर कोई हक अदा ना हुआ यहाँ अगर कोई नाफरमानी हुई चाहे वालदे के सिलसिले में चाहे बीवी और औलाद के सिल, बच्चों के सिलसिले में चाहे दोस्तों अहबाब रिश्तेदार दुनिया की जितने हकूक़ हैं गैर मुस्लिमों के हकूक़ भी इस्लाम ने बताए जानवरों के हकूक़ भी बताए गए जानवरों के सिलसिले में जन्नत की खुशखबरी दी गई अगर उनके साथ एहसान हुसन सलूक का मामला हम करें कितने लोगों की खुशखबरी दी गई जन्नत की खुशखबरी दी गई और कितने ऐसे लोग हैं बिल्ली को सताने की वाली औरत के बारे में बताया गया कि वो नाकाम होगी ना मुराद होगी जहन्नम में जाए तो अभी जो है अजान का वक्त हुआ इनशाला अजान के बाद हम अपनी बात को अपनी गुफ्तगू को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे महतर हाजरीन मैं बता रहा था कि दुनिया वाली दुनिया वालियों का नज़रिया क्या है कामयाबी के सिलसिले में नाकामी के सिलसिले में लेकिन देखिए हमारा आपको इस बात पर गौर करना है कि हकीकी कामयाबी हम जानते हैं कि जिसने दुनिया बनाई जिस दात ने दुनिया बनाई उसने कामयाबी किस को कहा नाकामी किसको कहा ये बात हमें मालूम करना ज़रूरी है दुनिया वाले जो हैं जैसे मैंने बहुत सारी मिसालें दी ये बात मैंने समझाने की कोशिश की है कि दुनिया वाले आज जिन चीज़ों को कामयाबी समझ रहे हैं वो असल कामयाबी नहीं है तो आइए कुरान हदीस की रोशनी में कुछ अहम नसूस बहुत सारे नुसूस हैं बहुत सारे दलाइल हैं वक्त की किल्लत की वजह से अहम नसूस का मैं जिक्र करते हुए बात को आगे बढ़ाता हूँ इमरान में अल्लाह तरमाया कुल्ल नफसिनमौत व इन मत वो नजूरकुमलियाम पमन जुह जिया अन नारी वन्नत फ़तफ़ाज़ उमल है तो दुनिया इस आयतः गरिमा में अल्ला ताला ने <tiny language> जहाँ शुरुआत इस बात से की कि हर जानदार को मरना है जो भी पैदा हुआ है उसको ख़त्म होना है इस दुनिया को ख़त्म होना है तो इस दुनिया में जो कुछ है सब फना होने वाला है अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी हम जानते हैं तो अल्लाह ताला ने आगे कहा कि तुम्हारा तुम्हारे आमाल तुम्हारी नेकियां तुम्हारे भलाइयाँ जो कुछ तुम करते हो उसका पूरे का पूरा बदला दुनिया में मिलने वाला नहीं आखिरत में मिलने वाला है पूरा बदला आखिरत में मिलने वाला है आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं ऐसे लगता है शायद दुनिया ही में पाना चाहते हैं दुनिया ही में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं अल्लाह ताला ने माल दिया अल्लाह ने शोहरत दी इज़्ज़त दी मनसब दिया सब कुछ अल्लाह था कुमकुल इमा साल तुमो सर इब्राहिम में अल्लाह ने कहा अल्लाह ने वो तमाम इस्बाब तमाम वसाइल व तमाम नवतें तुम पर निछावर कर दी जिसका तुमने सवाल किया बल्कि उससे बढ़ कर जो चीज़ें हमने नहीं मांगी हमारे वालदे ने शायद मांगी आबा अजदाद ने मांगी अम्बिया ने हमारे लिए मांगी अल्लाह तला ने अपने फ़द्ल करम से जो अता की हैं हमने भी शायद नहीं मांगी लेकिन आज की दुनिया को देख कर दुनिया वालों को देख कर माहौल को देख कर हमारी कुछ ऐसी ख्वाहिशें उसको देख कर अंदाज़ा लगता है कि शायद हम दुनिया ही में सब कुछ लेना चाहते हैं इसीलिए हम इतना परेशान हैं सहाबा दुनिया के लिए परेशान नहीं हुए आखिरत की फ़िक्र के लिए उसकी तैयारी के लिए आज हम दुनिया ही में इतने परेशान इतनी जिल्लत इतनी रसवाई अल्ला अकबर ये दुनिया ही में शायद हमारे गुनाहों की सज़ा है अच्छे लोगों के लिए आजमाइश है बुरे लोगों के लिए दुनिया ही में अल्लाह ताला उनकी नाकामी उनके सामने उनकी नज़रों में अल्लाह दिखा रहा है देख लो कामयाबी क्या है नाकामी तो अल्लाह ने फौरन कहा कामयाबी क्या है जिसको जहन्नम से बचा लिया जाए जिसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए फ़त फाज़ अल्लाह ने कहा असल कामयाबी आए दुनिया वालों वालो मेरे बंदो सुन लो असल कामयाबी जन्नत का परवाना मिल जाए जन्नत में दाखिले की इजाज़त मिल जाए ये हकीकी कामयाबी है जिसके लिए मुझे और आपको तमाम को कोशिश करना है मेहनत करना है इस सिलसिले में आगे बढ़ना है इस सिलसिले में हमें दौड़ लगाना है अल्लाह की मफफरत को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की जन्नत को हासिल करने के लिए जिसकी वसूत अल्लाह ने कहा ज़मीन व आसमान बल्कि उससे वसी है आज हम कहाँ दौड़ रहे हैं माल और दौलत को पाने के लिए चाहे हलाल तरीके से हो चाहे हराम तरीके से हो मनसब कुर्सी का नशा ला अकबर ऐसा नशा जो मौत के बाद ही शायद ख़त्म होने वाला है पता नहीं ये नशा कैसा है जिस नशे में पढ़ पता नहीं और कितनी जाने जाने वाली हैं कितने ख़ानदान बर्बाद होने वाले हैं कितने लोगों की ज़िंदियाँ तबाह होने वाली हैं कबल इसके कि किसी और का नुकसान हो खुद का नुकसान होने वाला है ख़ुद का बहुत बड़ा खसारा होने वाला है इसी तरह अल्लाह ताला ने तुर दुखान में कहा व ववा आदाबल जहीम कि अल्लाह ताली ने अपने बंदों को जहन्नम के आदाब से अल्लाह ने बचा लिया किस बुनियाद पर फजल में रबिक अल्लाह ने कहा सिर अपने रब तेरे आपके रब के फ़लो करम से यह रब का फ़जल है उसका करम है याद कीजिए उस वाक़े को अल्लाह के नबी सासम जब साहबा से कहा तुम में से किसी का अमल उसको जो है जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता जहन्नम से नहीं बचा सकता और अपने बारे में भी अल्लाह के नबी सल्हसम ने कहा मेरा अमल भी मुझे जन्नत में नहीं न् ले जा सकता जब तक कि अल्लाह तला मुझ पर फ़जलो करम ना करे अल्लाह अकबर आज हम में से कितने ऐसे हैं जो कुछ आमाल करके समझते हैं कि हम कामयाब हो गए हम जन्नती हैं जन्नत के सर्टिफिकेट अपने आप को दे बैठे हैं ये बहुत, बहुत, बहुत बड़ी गलती है ये बहुत बड़ी गलती अल्लाह हमें सही समझ आता फरमाएल फौजुल उदीम जहन्नम से बचना अल्लाह ने कहा यह बहुत ही अदीम कामयाबी जो मुझे आपको हासिल करना है सूरह सुरानाम में भी अल्लाह ने कहा कि जिसको जहन्नम के आदाब से अल्लाह ने बचा लिया ये खुली कामयाबी है इसी तरह सूरह हज में भी अल्लाह ने बहुत सारे अमाल सजदे का जिक्र अल्लाह ने किया ईमान लाने का जिक्र करने के बाद रुको और सजदे का और बहुत सारे अच्छी भलाइया अच्छे अमाल करने के बाद अल्लाह ने कहा تفلحون उम्मीद है उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओ ये अमाल कर लो ये नेकियां कर लो अल्लाह का तकरुब हासिल कर लो अल्लाह की मोहब्बत को पालो तुम कामयाब हो सकते हो सुरे नूर में अल्लाह ने कहा ओ तू भू अल्लाह ही जमीन अयोहिन लाख तुफलिहोन ए मोमिनो ए मेरे बंदों तोबा कर लो मेरे हुजूर आजिजी इनके सारी इख्तियार करो माफ़ी मांगो गुनाह किए हो तुम्हारी फितरत में अल्लाह ने दाखिल कर दिया है शैतान को अल्लाह ने मुकर किया है नफ्स अम्बारा को अल्लाह ने बनाया है खैर को भी शर को भी अल्लाह ने अपने इरादे की बुनियाद पर मशीत की बुनियाद पर अल्लाह ने दोनों चीज़ें रखी हैं लेकिन अगर अमदन भी जान बूझ कर भी गुना हो जाए अनजाने में गुना हो जाए रब का दरवाजा खुला हुआ है तोबा का दरवाज़ा खुला है माफी का दरवाज़ा खुला है अल्लाह ताला ने कितने बेहतरीन अंदाज़ में अल्लाह ने जहां ये भी कहा ला तखना तुम रहमत अल्लाह अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस होते हैं मोमिन मुसलमान अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता गुनाह हो भी जाए जान बूझ के गलती भी कर लें चाहे अल्लाह के हक़ में हो बंदों के हकूक़ में हो अब हो गए गलतियाँ अब तलाफ़ी की सूरत यह है तोबा करें अल्लाह के हुजूर तबा करें हकूक लिबाद में कमी है बंदों से माफ़ी मांगें जो हक़ हमने छीना है जो माल हमने छीना है जो जायदाद हमने गसब की हैं जो ज़मीनें हमने गसब की हैं वापस लौटा दें माफ़ी भी मांगें सिर्फ माफ़ी मांगने से माफ़ी नहीं मिलेगी वो चीज़ें वापस लौटानी भी पड़ेंगी माल अगर लिया है वापस करना पड़ेगा इसी तरह अल्लाह ने कहा वतखल्ला लाल लकुम तुफले हुन हकी मानों में अल्लाह से डरो वो काम करो जो अल्लाह को खुश करने वाले जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया और उन कामों से बचो जिससे अल्लाह ने मना किया है इसी तरह शुर बकरा भी शुरू किया हम पढ़े अल्लाह ताला ने मोमिनों के सिफ़ात बता कर क्या कहाद्दमरबीम यही खुश नसीब यही कामयाब होने वाले अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं सीधे सीधे रास्ते पर हैं और कहा यही कमन मफलिन कामयाब होने वाले यही लोग हैं इसी तरह बहुत सारी आयतें जैसे मैंने कहा और तजिक नफ्स के बारे में आपने शेख मोहतरम उस्ताद मोहतरम से बहुत सारी बातें पूरी तकरीर आपने उसी मौदू पर सुनी सुर आला, आला में भी अल्लाह ने कहा ख़ अफला मन तजक्का सुर शम्स में भी अल्लाह ने कहा खद अफला मनजा हा वद खवा मनदस्सा हा जिसने तजकिया कर लिया अपने नफ्स को बुरी शफात से अखलाक रजीला से पाक कर लिया वो कामयाब है और जिसने यहाँ पर अपने आप को जो है कामयाब नहीं कर सका पाक नहीं कर सका अल्लाह ने कहा वो नाकाम है ना मुराद हैं इसी तरह और बहुत सारे शुर तगाबुन को भी हम पढ़ें अल्लाह ने वहाँ ये भी कहा हर अच्छे काम करो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो तुम्हारे लिए बेहतर है और आगे कहा जिसको नफ्स की बकीली से बचा लिया गया हिस्स हवस से बचा लिया गया अल्लाह ने कहा वही कामयाब है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में भी बहुत सारी बतें बातें बताई हैं और वहाँ ये भी जहाँ जुल्म से मना किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा वुसो मेरी उम्मत के लोगों हिर्स व हवस के फितने से बचो क्योंकि इसने तुमसे पहले लोगों को हलाक कर दिया यह हिरस क्या है यह हवस क्या है ये मालो दौलत की हिरस क्या है कहा कि लोगों की उन्होंने नाजायज़ खून बहा दी लोगों को ना हक लोगों का कत्ल कर दिया जो आज भी हो रहा बड़े पैमाने पे हो रहा है अल्लाह अकबर शहर के शहर तबाह किए जा रहे शहर के शहर तबाह किए जा रहे हैं ना कोई डर है ना कोई खौफ है अल्लाह अकबर वस्तहल्लु महारिमहुम इस हिरस हवस ने हलाल करदा चीजों को उन्होंने हराम कर दिया हराम को हलाल कर लिया अल्लाह अकबर अल्लाह के हराम करदा चीजों को हलाल करना ये बहुत बड़ा गुनाह है बहुत बड़ा गुनाह है इसी तरह इस सिलसिले में बहुत सारे अहादीस जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कामयाब कौन है नाकाम कौन है बहुत सारे हैं सिर्फ चंद की तरफ़ इशारा करते हुए मैं अख्ताम पर आता हूँ अल्लाह के नबी सल्लाम ने नमाज़ के बारे में कहा सबसे पहले हिसाब होगा हुकूक़ुल्ला में नमाज के बारे में एक मुसलमान के सिलसिले में जो हिसाब होगा उसका मुहासबा होगा नमाज के सिलसिले में होगा उसका हिसाब लिया जाएगा अगर वो कामयाब है नमाज सही है वो कामयाब है वो कामयाब है और अगर नमाज में कोई कमी रही नमाज ही नहीं पढ़ता था या नमाज़ में कोई गड़बड़ है व ख़सर ये अल्फाज अल्लाह के नबी सास ने इस्तेमाल किए वो नाकाम हैं वो ना मुराद हैं नमाज में अगर कामयाब है दीगर आमाल उसके लिए आसान हो जाए नमाज में अगर कोई नाकाम है वो सबसे बड़ा नाकाम होगा इसी तरह रमज़ान के बारे में आपने सुना जो रमज़ान को पाकर अपनी बख्शिश ना करवा लें रमज़ान जैसा अदीम महीना बरकतों वाला शहादतों वाला खैरात और बरकत वाला मखफरतों वाला जहन्नम से आज़ादी का महीना और बेशुमार बरकात समरात हम, हम जानते हैं किसी को बताने की ज़रूरत नहीं जो रम़ान को पा भी अपने आप को अपनी मकफरत ना करवा लें वे ना काम हैं ना मुराद हैं इसी तरह रमज़ान के ताल्लुक से आखिरी अशरे में पाँच ताख में जिस अदीम रात को तलाश करना है अदीम रात को पाना है सबसे बड़ा महरूम कहा गया जो इस रात की बर और वरक़ात से महरूम कर दिया जाए साल भर इंसान सोता है अगर ये पाँच ताख रतों में भी सो जाए सबसे बड़ा महरूम है सबसे बड़ा महरूम जो हर खैर हर नेकी से महरूम कर दिया गया यही वजह है कि देखिए साल के ग्यारह महीने हमारे अंदर कितनी जरूरत है नाफरमानी के सिलसिले में हम सीधे रास्ते से हट कर आज जिंदगी गुजार रहे हैं रब से अपना ताल्लुक कमजोर कर चुके हैं या बिल्कुल कट चुका है अपनों से जो हमें सामने नजर आ रहे हैं वालदेन से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने वालदे से रिश्ता तोड़ लिया अल्लाह के नबी सल्हसम ने यह भी कहा नाकाम है उसकी नाक खाख में आलूदा हो जाए जो अपने वालदे को दोनों को या एक को बुढ़ापे में पा भी उनकी खिदमत करके उनके हकूक़ अदा करके अपने आप को जो है जन्नत का मुस्तक ना बना सके नाकाम है नाकाम है और सदा का मुस्तक है वंदा दो गुना ऐसे अल्लाह के नबी वसल्लम ने फ़रमाया बहुत सारे गुना हैं अगर अल्लाह चाहें उसकी सदा आखिरत में मौकर कर सकता है आख़िरत में दे सकता है दो गुना ऐसे हैं जिसकी सज़ा दुनिया में ये बहुत बड़ा नुक़सान उठाने वाला इंसान एक वो जो अपने वालदे का ना और दूसरा वो धुल स्तम करने वाला फसाद मचाने वाला आज कितना फसाद बिगाड़ है हमने खुद अपने हाथों से हम खुद जो है अपने हाथों से ये सब कुछ कर रहे हैं आज आज हमें नुकसान पहुंचाने वाला कोई और नहीं शैतान भी है हमारा नफ्स है सबसे बड़ा दुश्मन हमारे दुश्मन आज हम सबसे ज़्यादा सबसे बड़े कोई हम खुद हैं हमारा नफ्स है अपने दुश्मन को हमने खुद यहाँ जगा दी किसी और को दोष देने से पहले किसी और को किसी और की तरफ इशारा करने से पहले ही किसी और को कुछ कहने से पहले अपना मुहासभा करें अपना जायजा लें अपना तस्किया करें अपना हिसाब खुद करें अपना मामला खुद हल करें असल कामयाबी क्या है देख लें असल नाकामी क्या है खुद को समझ में आएगा अगर हम जितना हिसाब मालो दौलत का करते हैं जितना हिसाब हम कारोबार का करते हैं जितना हिसाब दूसरों के गुनाहों का करते हैं जितना हम दूसरों को गलत नजरिए से देखते हैं किसी को जहन्नमी कहते हैं किसी को काफिर बिदाती मुशरिक क्या क्या नहीं कहते आज अगर खुद का मुहासभा करें समझ में आएगा दूसरों की औलाद पर निगाह रखने से पहले अपने बच्चों पर निगाह रखें दूसरे की बीवी पर हमला करने से पहले अपनी बीवी का जायजा लें किसी और के नफ्स पर हमला करने से पहले अपने नफ्स का मुहासभा करें किसी और को ज़िम्मेदार ठहराने से पहले चाहे ओलमा को ज़िम्मेदार ठहराएं चाहे ज़िम्मेदारों को चाहे हुक्मरानों को चाहे आवाम को किसी और से पहले खुद अपना मुहासभा करें मैं कहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ मैं कहाँ तक अल्लाह ताला के हुकूक मैंने अदा किए या अदा कर रहा हूँ कहाँ तक मैंने जो मैं चाहता हूँ कि मेरे वालिदैन मेरे लिए करें मेरे बीवी बच्चे मेरे लिए करें मेरे दोस्त अहबाब मेरे लिए करें मेरे रिश्तेदार मुझसे वो मामला करें मेरे दोस्त व अहबाब गैर मुस्लिम हत्ता की जिससे भी जो उम्मीदें जो ख्वाहिशात हमने रखे हैं जो तमन्नाएं झूठी तमन्नाएं अपने नस में पाले हैं सबसे पहले देखें मैं क्या कर रहा हूं मैंने कहां तक किया मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है यह हकीक़ी कामयाब इंसान की अलामत अपने आप में झांक कर देखें अपने आप का मुहासबा करें रब से तोहफी अगर समझ में नहीं आ रहा आप भी रब से दुआ करें अपना ताल्लुक रब से जोड़ लें तोफी मांगे अल्लाह से इल्ला बिल्ला रब की तोफीक के बगैर रब की तोफीक के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते कोई काम नहीं कर सकते कोई खैर में आगे नहीं बढ़ सकते किसी शर से हम नहीं बढ़ सकते न शैतान के शर से न नफ्स के शर से न दूसरों की शरारतों से जब तक अल्लाह ताला तौफीक ना दे रब की तोफ़ी हमें हासिल ना हो इसी तरह सूरह असर की तिलावत मैंने शुरू में की सब जानते हैं बारहा दसियों बार, बार हज़ारों बार हमने सूरह फातिहा सूरह असर खुद हमने तिलावत की होगी नमाजों में चार बुनियादी सिफात अल्लाह ने बनाए कामयाब होने वालों के सब जानते हैं ईमान लाना अच्छे काम करना और उन उन बातों को दूसरों तक तो पहुंचाना, उसमें जो भी रुकावटें आती हैं सब्र करना ये चार सिफात हैं इसी तरह सूर मोमिन सिर में इशारा करते अपनी बात को ख़त्म करूँ सुर मोमिन में भी अल्लाह ताली ने हकीकी कामयाब होने वाले जन्नतफिरद के मुस्तक बनने वाले ऊँचा मकाम हासिल करने वाले ज़िल्ल और उसाई पस्ती जहन्नम से बचने वाले कौन हैं उनके सिफ़ात अल्लाह ने बताया खदफ ललमोमिन से अल्लाह ने शुरुआत की नमाज़ में जो लोग खुशो व खुजो इख्तियार करते हैं हर गलत काम से अपने आप को हर गलत बातों से अपने आप को बचाते हैं ज़क़ात अदा करते हैं अपने शर्मगाओं की हिफाज़त करते हैं सिवाए बीवियों के और अपनी लौंडियों के फिर अल्लाह ने कहा जो अपनी अमानत में कीानत नहीं करते अपने वादों को पूरा करते हैं और आखिर में कहा अपने नमाजों की हिफाजत करते हैं नमाजों को ज़ाय नहीं करते नमाज़ में सुस्ती काहली नहीं करते अल्लाह ने कहा यही लोग वारिस हैं किसके वारिस हैं हकी वारिस जन्नत जन्नतफरदोस के वारिस ये कामयाब होने वाले हैं अल्लाह अकबर इसी तरह हमें कामयाब होने के लिए क्या करना है हमें जो है सही ईमान लाना तोहिद पर इस्तेमत इख्तियार करना अगर हमारी ज़िंदगी में अदे का कैंसर शिरक आ गया कुफर आ गया निफाक आ गया इलाहाद आ गया हमारी ज़िंदगी बर्बाद हमारे अमाल बर्बाद हमारी दुनिया भी आखिरत भी बर्बाद और इसी तरह हमें क्या करना है अल्लाह पर सही ईमान लाना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना शुरे आराफ आयत नंबर 157 में अल्लाह ताला ने वो चार सिफात बताए हैं कि रसूल पर ईमान लाएं रसूल की मदद करें ताज़ीम करें उनकी मदद करें उनके तालीमत को फैलाने में मदद उनकी तालीमात को सीखने में मदद और जितनी मदद हो सकती है इशारे में कर रहा हूँ आप समझते हैं और इसी तरह आखिर में अल्लाह ने कहा उस नी नूर की पैरवी करें जो अल्लाह ने उतारा कुरान और हदीस की सच्ची पैरवी करने वाले कामयाब और आखिरी बात आखिरी बात कि हम सलफ सालीन जो हमसे पहले जो कामयाब हो चुके हैं उनके नक्श कदम पर चले अल्लाह ने अम्बिया का जिक्र किया अम्बिया की वो अखवाम वो कौमें जो कामयाब हुई उन पर ईमान लाने उनका तस्करा अल्लाह ने किया है के तकरीबन दस पारों में जो अलामा ने अंदाजा किया दस पारों में अल्लाह ने जो है वाकया जिक्र करके हमें बता दिया कामयाबी का क्या रास्ता है कामयाब होने वालों के अवसाफ क्या है इसी तरह नाकामी जितने अब तक मैंने बता, बातें बताई हैं उसका अपोजिट आप कर लें आपको समझ में आएगा यह सब नाकाम कुछ मिसालें मैंने हदीस की रोशनी में दी जो सिफात कामयाबी के हैं अगर उनको छोड़ दें उनको ना अपनाए अगर वहां खलल आए कमी आए तो समझ लीजिए कि हम या तो कामयाबी से दूर हैं या मुकम्मल हम नाकाम हैं या कामयाब होंगे तो बहुत सारे आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा या सजा भी पानी पड़ेगी दुनिया में भी जिल्लत और और आखिर खबर में भी आदाब आखिरत में कुछ लोग ऐसे नाकाम होंगे हमेशा के लिए नाकाम काफिर मुशरिक मुनाफिक मुलहद हमेशा के लिए नाकामी और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए कबीरा गुनाह उनको सजा मिलेगी चाहे तो अल्लाह माफ कर दे या सजा देकर जन्नत में दाखिल करे ऐसे भी कुछ कामयाब होने वाले सजा पाने के बाद कामयाबी मिलेगी और जो मोमिन हैं मुसलमान हैं मिसाली मुसलमान अगला खिताब आप सुनेंगे मिसाली मुसलमान में बहुत सारी बातें आपको आएंगी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसी तरह बहुत सारे वाकयात बारह हाँ आप सुनते हैं बारह हाँ आप सुनते हैं तो देखिए आखिरी बात जो मैंने बताई कामयाबी के सिलसिले में हम सलफ़ साल के तरीक़े को अपनाएँ अल्लाह ने ज़मानत दी है साहबा के तरीक़ा आज खोल खोल कर अल्लाह ने कुरान में अहादीस में मा बयान कर रहे हैं सही मनहज पर आए सही रास्ते पर आए कोशिश करें कोशिश करें जितनी मेहनत आज माल और दौलत के लिए दुनिया को पाने के लिए कुर्सी मनसब के लिए इतनी मेहनत अगर हम आखिरत की फिक्र के लिए जन्नत को पाने के लिए करें इन शह अल्लाह से उम्मीद है कि हम कामयाब हो जाएंगे इन शामयाब हो जाएंगे इन शही फिक्र करें माल कमाएं इस्लाम ने मना नहीं किया कुर्सी मनसब को हासिल करें जायज़ तरीके से इस्लाम ने मना नहीं किया लेकिन उसका हक अदा करें उसका हक़ अदा करें नेमतों की कदर करें सही रास्ता क्या है कामयाबी हकीकी क्या है उसको समझें और उस पर अमल पैरा हों आखिर में इन्हीं बातों पर चूँकि मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए जलाल से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानो में जो भी बातें हमने सुनी हैं अल्लाह समझने की शादत नसीब फरमाएँ जिन बातों पर अमल करना ज़रूरी है अल्लाह अमल की शादत अता फ़रमाएँक़ल्ला के साथ साथ इबाद अदा करने की शादत अल्लाह नसीब फरमाए इस सिलसिले में जो सुस्ती काहली गफलत हमसे हो रही अल्लाह दरगुजर का मामला फरमाएं बंदों से भी जो है माफ़ी मांगने की अल्लाह से आदत तोफ़ी हमें अता फ़रमाएँ आफतों से मुसीबतों से बलाओं से वबाओं से अल्लाह सब की हफाजत फरमाएँ जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फ़रमाए जो बीमार है सेहत आजिलाइमल्ला ता फ़रमाए जो खर्ज़दार हैं कर्जों के बोझ से आज़ादी दिला दें जो बेरोज़गार हैं अल्लाह हलाल रोज़ी के ज़रा अल्लाह ता फ़रमाएँ जिनके दिलों में हम सब के दिलों में जो उल्फत मोहब्बत होनी चाहिए जो हमदर्दी खैरखाई होनी चाहिए अल्लाह दिलों में उल्फत मोहब्बत क़ायम फ़रमाएँ दिलों से अदावतें दुश्मनियाँ की कपट और हर वो बुरी सिफत जो हमें नाकाम करने वाली अल्लाह उन तमाम सिफात रजीला से अल्लाह हमारे दिल को पाक व साफ़ फरमाए जब तक दुनिया में जिंदा रखे ईमान पर जिंदा रखे खातिमा हो तो ईमान की हालत में हो मरने के बाद मौत आए हसन ख़ातिमा पर ख़बर के आदाब से अल्लाह बचाए जहन्नम के आदाब से अल्लाह बचाए जन्नत में अला मकाम अता फ़रमाए أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين